अभी हम लोग रेडी हो गए हैं एक गेम खेलने के लिए, जो कि पूरा गेम डायरेक्टेड, कोरियोग्राफ्ड और जो जो भी है वो सब कुछ अंकिता दीदी ने किया है। तो अब आगे का जो भी रूल्स है सब कुछ है वो दीदी बताएंगी और हम लोग खेलने वाले हैं। कोई आइडिया नहीं है क्या गेम होने वाला है, तो चलिए सीधे उनसे कैमरा लेके जाते हैं। बताइए क्या आकाशवाणी पे आपकी फरमाइश। हाँ जी बताइए, तो क्या है रूल्स, क्या गेम है? आपकी फरमाइश थी अंकिता गौर कैमरा मैन अनमोल अग्रवाल के साथ और पावर्ड बाय पावर्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय अदिति अग्रवाल जिन्होंने हमें ये कम्बल दी। तो हम सिस्टर कंपैटिबिलिटी टेस्ट गेम खेलने वाले हैं और हम देखेंगे कि ये दोनों बहनों में कितनी कंपैटिबिलिटी है और विल ऑल्सो चेक देयर टेलीपैथी, विल सी दैट हाउ मच दे अंडरस्टैंड ईच अदर एंड दे नो अबाउट ईच अदर एंड देन आई लेट यू नो इफ दे विन और दे लूज। ठीक है, तो समझ गए आप, बस यही सब कुछ है। सिस्टर चलिए तो देखते कौन जीतता है। चलो चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, एज पर द रूल ऑफ दिस गेम नो वन कैन स्किप अ क्वेश्चन। ओके, अगर मैंने अदिति से सवाल पूछा है तो वो उसे राइट करेगी और तुम फिर उसका जवाब देना और हम देखेंगे कि वो आंसर सेम है कि नहीं। पहले अदिति आंसर लिखेगी और फिर तुमको जब मैं बोलूँ कि अब अपना आंसर बोलो तब बोलना। ठीक ठीक है, सेम वाइस वर्सा। क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, कि व्हाट वाज अनमोल्स मोस्ट प्राइज्ड चाइल्डहुड पोजेशन। ऐसा क्या था अनमोल के पास बचपन में जो कि बहुत ही ज्यादा इसके लिए खास था, ऐसे कर समथिंग रियली वेरी स्पेशल। अब ठीक है, तुम जल्दी से आंसर लिखो। मैं उसी आईडी देखती थी, वो कुछ गुड्डा गुड़िया ने खेली है। ओके ना, अभी अभी वेस्ट नहीं करना, यू जस्ट राइट समथिंग, एनीथिंग, कुछ तो होगा उसके पास, उसको अब वो सोचेगी ना, तुम अब तो लिखो। चाइल्डहुड मेरी मतलब कितनी एज का कुछ मतलब चाइल्डहुड यार 10, 11, 12, 16 कुछ तो होगा ना। है ना, है मेरे पास है, मेरे को पता है भाई, अब लिखो। ओके, ये है ओनली वन, मेरे को पता है बचपन का कुछ यार आदि। ये तो पहला सवाल है, लिख दो कुछ भी लिख। हाँ गलत हुआ तो कोई नहीं, बाद में लड़ाई करी। ठीक है, अभी तुम दिखाना नहीं है। ठीक है, तुम्हारा आंसर सोच ले, खुद ही नहीं पता, मेरे को पता है। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो मैं स्कूल में, हमारा वो क्रिश्चियन स्कूल था ना, तो हमको मलयालम सॉन्ग वगैरह सिखाए थे इवेंट में, तो वो हमको हिंदी में ऐसे इंग्लिश में लिख के हमारी टीचर दी थी कि हम उसको वो करें, तो उसका पेपर मेरे पास आज भी सेव रखा हुआ है। ओ भाई साहब, दीदी ने लिखा है सम रिटन थिंग्स, मतलब बिल्कुल ही सेम, किसी हरे लिफाफे में, वेरी स्पेसिफिक, इज इट एन हरी फाइल है। हाँ एग्जैक्टली, हरी फाइल के अंदर ही है वो। वेल डन फर्स्ट क्वेश्चन यार, ये तो खतरनाक था, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मिटाने के लिए रुक जाओ, सॉरी वीडियो अच्छे से स्पॉन्सर नहीं हो पाया हमारे फाइनेंस पार्टनर को एक तो ये निकला जो हमारे कॉस्ट, अरे हम ये ना लगा पाए हमारे फाइनेंसर बहुत परेशान, उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग भी अच्छे से थे। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डिड She do as a little kid that was super embarrassing. इसकी कोई एक ऐसी चीज जो कि बहुत embarrassing थी। तुम हमारी बेइज्जती कराने बैठी हो क्या? नहीं यार। बच्चों की। मैंने क्या किया ऐसा? तुम्हारी नाक तो बही। चलो I'm done. तुम्हारी नाक नहीं बही कभी? I'm done. It's super embarrassing. नहीं किया।
मैं क्या की होंगी सुपर एम्बैरेसिंग। तुम्हें पहले आंसर देना है फिर वो बोर्ड दिखाएगी। मेरे को तो पता हो। बता छोटे का लिखी हो छोटे का नहीं दम चैलेंज हो गया यहाँ पे। सुपर एम्बैरेसिंग मैंने क्या किया होगा ऐसे। ये तो अभी तक चलता आ रहा है भाई तो जनरली लिखे हम। इट वाज लाइक यस्टरडे। ये मैंने लिखा है यहाँ दिखा दो। ये देखो ये मैंने लिखा है देखते हैं क्या बताती है दीदी। सुपर एम्बैरेसिंग अभी भी चल रहा है। वन थिंग जो है मैं बहुत चिड़चिड़ मचाती हूँ गंदा सा मुंह बना लेती हूँ। सो इट्स टाइम फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। दोनों ने फर्स्ट क्वेश्चन राइट किया है तो अभी इक्वल स्कोर चल रहा है। यस ओके। व्हाट इज समथिंग दैट कंप्लीटली चेंज्ड अबाउट देम एज दे गॉट ओल्डर। ओके अब तुम्हें लिखना है छुपा के और तुम्हें बोलना है जब वो लिखे उसके बाद। Okay, you have 10 seconds. Start. मतलब समझदारी मैच्योरिटी जैसा कुछ कौन okay. अब वो तो कोई बड़ा होता तो होता ही है। शीशे में देख के अब नहीं रोती। शीशे में देख के रोती लिटरली यार ये दिस इज सो ट्रू। अरे यार मेरे को इतना नहीं समझ आया क्लियरली बट ये तो मतलब बिल्कुल पक्की बात है एकदम पक्की बात है। What's her favorite book as a kid? किड ये बुक तो पढ़ती है ये तो नहीं बोल सकते। एक नंबर ज्यादा से टॉपर है हमसे तो बहुत पर ये किताबें कीड़ा रही होगी। अरे दूध मांस लिखो वन थोड़ा तेज यू हैव टू से अदरवाइज इट वोंट रिकॉर्ड। हाँ मतलब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि क्योंकि ये बहुत अच्छे नंबर आते थे स्कूल के तो ये किताब ही कीड़ा ही रही होगी ऐसे बुक तो मैं यही लिखना चाहूंगी किताब। यदि हिंदी गलत लिखी हो तो माफ कीजिएगा लेकिन तुम्हें एक बुक का नाम लिखना है। बुक का स्पेसिफिक हाँ। नाम लिखना है वो एंड यू कांट से हाँ लिखना हाँ। अरे वो ठीक है हाँ ठीक है लिख लिया हाँ मैं बताऊँ हाँ मैं स्कूल बुक की वो बुक से नाम बोलो हाँ नाम नहीं ऐसा कुछ स्पेसिफिक मैं तो फिर तो मैं किताबी कीड़ा पर कोर्स की बुक से पढ़ती हाँ तो कौन से उसमें से कोई एक सब्जेक्ट तो हिंदी इज वाज ऑलवेज माय फेवरेट। तुम क्या लिखी हो कॉमिक्स हाँ मैं कॉमिक्स भी पढ़ती हूँ चंपा चमेली चंपा तो ये बोलना चाहिए चंपक ये मैंने सही दिया यार देखो एक तो एक किताब जीरो मिलेगा क्योंकि मैच नहीं आई वाज रॉन्ग चंपक आई यूज्ड टू रीड चंपक मैं चंपा चमेली लिखने की वाली नहीं चंपा नहीं था वो चंपक हाँ मतलब वही चंपक। ऐसा कौन सा आउटफिट है जो ये ऑल टाइम बचपन में पहने रहती थी जिसकी बात आज भी मम्मी पापा करते हैं। अरे यार ये क्या इतना क्यों हंस रहे हो ऐसा क्या है भाई। बस दीदी स्टोरी मैं बताऊंगी आपको। अरे कितना लिख रही ये तो मम्मी पापा लोग भी देख के बहुत हंसेंगे। हाँ, बोलो मैं एक फ्रॉक पहनती थी पहन के मैं बाहर खेलने गई थी ठीक है तो गैया एक हमारे थी उसने अपनी उस फ्रॉक में वो जो नहीं डंगरी वाली फ्रॉक रहती वैसी तो उसकी बद्दी में अपनी सींग से ऐसे टंगा के मुझे ऊपर उछाल के घर के अंदर फेंक दी थी उठा ली मतलब पूरी आसमान और तुमको वापस तुम्हारे घर में ही फेंक दी वो नहीं उठा ली फ्रॉक जिसमें गाय ने सींग से उठा लिया था। शिट मतलब इसका जिक्र तो मैं बहुत छोटी थी तो मतलब इन लोग बहुत डर गए थे वो बहुत ही खतरनाक हाँ खतरनाक इवेंट था वो। ओ माय गॉड
ओके यस सो द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट्स हर गो टू कंफर्ट फूड गो टू कंफर्ट फूड ओके आइसक्रीम फूड यार तुम क्या लिखी है फूड गो टू कम्फर्ट फूड ही होता है जिसमें कम्फर्टेबल फील हो वो भी नहीं लिखा उसने मैं तो दिखा देती दाल चावल यार दाल चावल इज द मोस्ट कम्फर्ट फूड एक बार दिमाग में आया था पर मेरे को तो आइसक्रीम आई लाइक दैट्स अ कंफर्ट फूड ना जब भी वो होती है भी परेशान चलो हार गई मैं जीती 2-1 नहीं 1-1 ये उसको पॉइंट मिलता है ना अगर वो सही बोल रही है ओके क्वेश्चन व्हाट इज वन गिव अवे साइन दैट दे आर रियली स्ट्रेस्ड रियली हंग्री और रियली टायर्ड कुछ ऐसा एक्शन या समथिंग ऐसा करती हो जिससे तुम्हें पता चल जाता है ओहो अब ये स्ट्रेस में है या इसे बहुत भूख लगी है या अब ये बहुत थक गई है मेरे लिए होना चाहिए था क्वेश्चन मुंह बना दा अब यहां से लिखो इसके साइन या मैं हम चुपचाप में बैठ जाती हूं ओके शी क्राइज मुझे दीदी cry I don't cry always दीदी I'm not a cry baby अभी भी तुम रो रही हो अब देखो बहन के साथ तो थोड़ा cry baby हो जाती है but I'm not a cry baby What was or is her worst fear as a kid and has it changed मतलब बचपन में इसको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता था क्या अब वो चीज चेंज हो गई है मुझे लाउड वॉइस से मैं सोच ही रही थी ये मुझे बड़ी मैं दो में कंफ्यूज थी धोखा मतलब इसको ना थोड़ा ऐसा है कि ऑनेस्टी एंड ऑल थोड़ा बड़े में मैं चली गई मतलब शी ऑलवेज बिलीव की मतलब लाउड स्पीकर वाला तो अभी लाउड म्यूजिक हाँ लाउड म्यूजिक वाला तो हाल ही की घटना है चलो 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 कोई नहीं 2-1 स्टिल स्कोर गॉड ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं अभी दीदी 2 और मैं 1 चल रहे हैं It's good question. Okay. Mm-hmm. Okay. उनसे सब अच्छे क्वेश्चन है गुड क्वेश्चन इधर भी गुड क्वेश्चन यार तुमसे भी गुड ही पूछती हूँ चल छोड़ हाँ How could you have been a better sibling to her when she was growing up? She was growing up. ठीक है आंसर है कि शी अलाउज मी टू डू एवरीथिंग लाइक गिव्स मी स्पेस ऐसा कुछ ज्यादा सोचना है बहुत सोच रहा है हम लगता है अरे भाई अरे भाई ये तो कुछ ज्यादा ही प्यारा प्यारा आंसर हो गया आई यूज्ड टू टेक हर टू द स्कूल सच में मालूम मैं बहुत छोटी थी दीदी मतलब 6 साल बड़ी है मुझसे तो मुझे स्कूल लेके जाती थी दीदी और मैं छुट्टी होने से पहले घर आ जाती थी फिर दीदी पूरे स्कूल में ढूंढती थी अन्नू का फिर आके देखती थी मैं तो बढ़िया घर में खाना वाना खा रही हूँ मम्मी मैं इसको कल से स्कूल नहीं लेके जाऊंगी हे भगवान ये बहुत अच्छा इवेंट है अनफॉर्चुनेटली आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तो 1 और 2 ही तो है बताया नहीं गया जीतने वाले को क्या मिलेगा भाई कौन देगा आप दोगे क्या अमीर कौन है यार सबसे ज्यादा आप सवाल है व्हाट्स द वर्स्ट फाइट यू गाइस हैव एवर हैड वर्स्ट फाइट कौन से गेम में तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो कुछ भी बोल सकते हो
फाइट नहीं बताई, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आंसर ना आई नो। अरे यार मैं कैसे उसको शॉर्ट में लिखूं, रुको। जब हम खाना जब हम छोटे बच्चे थे तब बहुत शरारत करते थे। ओके इंदौर में, और मतलब शी वाज ट्राइंग टू टेल मी सम थिंग्स और आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग देम। मैंने लिखा इंदौर में व्हाइल चूजिंग प्रायोरिटी द सेम थिंग आई वाज टेलिंग हर अबाउट दैट। It was about priorities, guys. Yes. So I won. So we are 2-2. Yay! What memory of you guys still makes you laugh? Laugh? ऐसे कोई एक incident या याद जिसे तुम लोग ऐसे सोचती तुरंत हंसी आ जाती हो, ऐसा कुछ? जैसे मेरा ऋषभ का एक step है, हमें ऐसे करो और हमें हंसी आ जाती है। हाँ दीदी, यार दीदी यू नो दिस स्टेप से, यू नो दिस, यू मस्ट नो दिस। यार यहाँ पे भैया होता ना तो भैया दिस इज फॉर यू है ना, वो जो जेंडर ऐप होती ना जिसमें। अरे यार अन्नू चलो ठीक है, चलो ठीक है, उसमें जब आप डेट वो कनेक्ट कर दो फोन तो उसके बाद एक एरोप्लेन सी आती है और वो ऐसे करके एक ऐसे एयरप्लेन उड़ती है, फिर फोन कनेक्ट होता है, डेटा शेयर होना शुरू होता है, काइंड ऑफ दैट। तो दीदी उसकी एक्टिंग करके दिखाती है और हम तीनों बहुत हंसते हैं उस बात में। जितनी देर फाइल शेयर होती ना आई यूज्ड टू लाइक ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी बट हम दो तीनों से इंग्लिश जानते हैं, आधा किलो भैया पता नहीं अभिषेक जो भी है ये आधा किलो आए हो तुम्हें याद है। ये हम लोग बहुत ये भी सही है पर हाँ ठीक है, ठीक है बट अब हम इक्वल ही है। यस चलो टफ क्वेश्चन ना। हाँ आप मुझसे तब। डू यू थिंक योर पेरेंट्स हैड अ फेवरेट किड, इफ सो हु एंड व्हाई? यार क्या तो देखो हु एंड व्हाई भी है। हाँ अरे क्या हो रहा है भाई, तुम बोलने वाली हो मी माय सेल्फ, आई वॉन्ट टू सी हर स्लेट। पूरी फ्रस्ट्रेशन लिख रही है पूरी फ्रस्ट्रेशन पूरी लाइफ की। चलो बस ठीक है इतना हो गया तो मैं हूँ फेवरेट क्यों, क्योंकि एक तो फर्स्ट चाइल्ड और दूसरा ये कि मतलब पेरेंट्स को लगता है सबसे ज्यादा सेंसिबल हूँ तीनों में। तो ठीक है ये देखिए ये बड़े बड़े अक्षरों से लिखा है पापा की परी, बड़ी बच्ची पापा की परी है, रूई का फुआ है भाई, मेरे पापा का रूई का फुआ है वो, उसको ऐसे चोट भी आनी चाहिए हल्की सी भी। अभी जब हम ऋषिकेश प्लान कर रहे थे तो मैं तो पहले आके जा चुकी हूँ कोर्स के लिए, तो पापा वाज लाइक कि ठीक है तुम तो जाके सर्वाइव कर लोगी सब हो जाएगा, इसको लेके जा रही हो मैं नाप के भेज रहा हूँ कितना वेट है इसका, कम नहीं होना चाहिए। तो यस बट यार बिकॉज दीदी है तो हम सब है तो इसलिए यस अच्छी बात है कुछ चलो। तो इसी बात से मैं एक आगे हो गई हूँ पॉइंट। यस इट्स 3-2 नाउ, कोई बात नहीं इस तुम्हारी इस लाइन पे उसने तुम्हें एक पॉइंट दिया। व्हाट इवेंट इन योर लाइफ हैज हैड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन यू? ओके
सॉरी गाइस असुविधा के लिए खेद है. फोन डिस्चार्ज हो गया था तो अभी फिर से चार्ज पे लगाए हैं. तो लास्ट क्वेश्चन था कि दीदी की लाइफ में कौन सा ऐसा इवेंट है जो जिससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है दीदी की लाइफ में. तो मैंने तो कुछ तो भी जवाब दिया था क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. पर दीदी का आंसर क्या है? जब उसकी दादी की डेथ हुई थी तो दैट वॉज द मेजर इंसिडेंट जिसने उसकी लाइफ में इम्पैक्ट करा था. चलिए तो अभी है क्या स्कोर? हाँ, आई एम लीडिंग विथ वन. व्हाट्स समथिंग यू विश मोर पीपल न्यू अबाउट यू? ऐसी कौन सी चीज है या जो भी तुम ऐसा कुछ विश करती हो जो तुम्हें लगता है कि लोगों को तुम्हारे बारे में ज्यादा पता होना चाहिए? अदिति का आंसर है इनर ब्यूटी और इनर टैलेंट. एंड द आंसर इज हु आई एम एज इन व्हाट आई शो इन यूट्यूब बेसिकली लाइक मोर ऑफ द सब्सक्राइबर्स एंड ऑल. सो बेसिकली आंसर इज हु आई एम द इनर टैलेंट. तो आंसर तो सेम ही हुआ ना? नहीं हुआ? तो तुम अगर ये बोलती कि ग्रोथ इन हर यूट्यूब? नहीं 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 दीदी, नहीं एक मिनट. दीदी ने बोला इनर टैलेंट इनर ग्रोथ, तो मेरा मेन आंसर यही है कि मैंने ये ऐसे लिख दिया था ये हु आई एम कि मैं क्या हूँ. इनर ब्यूटी जो मैं अंदर से हूँ मैं वही चाहती हूँ कि मोर ऑफ द पीपल नो अबाउट मी. दीदी ने वही बोला. तो यूट्यूब में मैं बेसिकली अपनी लाइफ स्टाइल ही दिखा रही हूँ. सो ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे जाने देखें जो मेरी यूट्यूब जर्नी है जैसी मैं हूँ. चलो हाँ. तो ये हमें जीत गए हैं कॉल पॉइंट 4-2. तुम जीती हो. हाँ, जो हम कभी नहीं जीतेंगे क्या? ये वाला दे रही हो पॉइंट्स. इसीलिए तो सोचे ये वाला हमको मिलेगा. अब क्या मतलब और खेलने का? खेलेंगे दो और पॉइंट है. खेलो. चलो इसको नहीं मानते हैं विनर, ट्राई ब्रेकर कर लेते हैं. ठीक है, ट्राई ब्रेकर. हाँ, तो 3-2 ही है फिर अभी. ठीक, चलो फाइनल क्वेश्चन. फाइनल क्वेश्चन. ट्राई ब्रेकर कैसे होगा? तो भी तो हम फिर 3-3 हो जाएगा. 3-3 होंगे, टाई होगा. तो पहले तुम 3 पे तो आओ. आओ फिर आगे का सोच लो. मेरे को ऐसे दूधी भाती टाइप का खिला रहे हो. नहीं. चलो, मजा आ रही है इसलिए गेम कंटिन्यू कर रहे हैं. दया नहीं आ रही है अदिति हमें. सवाल, what's the most rebellious thing she has ever done? हिंदी में भी बताना है. बोला मतलब सबसे ज्यादा विद्रोही काम कौन सा किया? विद्रोही इज अ वर्ड. विद्रोही, क्रांतिकारी, मतलब सारे विद्रोही कार्यों में से आपका सबसे सर्वोत्तम विद्रोही. सर्वोत्तम विद्रोही काम मैंने क्या किया है? सर्वोत्तम क्या किया? हाँ किया है, चलो उसी को कंसिडर कर लो. तो कुछ समझ नहीं आया उसके लिए. मुझे आज भी थोड़ा सा है समझ में. आई शुड नॉट हैव डन. तुम हिंट देती रहो. नहीं, शी माइट नॉट बी एबल टू गेस इट. विद्रोही काम आपका? मैं भैया के जो भी वो होते थे ना, चैट्स वगैरह होते थे, मैं सब पढ़ के पापा को सुना देती थी. भैया अभिषेक. हाँ, जो मेरे भाई मेरे से 4 साल बड़ा है, तो वो जब मतलब स्कूल वगैरह उसको जल्दी फोन मिल गया थे वो, तो उसके जो भी मैसेजेस होते थे फ्रेंड्स के सब मैं पढ़ लेती थी, रिप्लाई भी कर देती थी, पापा को भी घर पे सब सुना देती थी, जिसके लिए आई फील मतलब रिग्रेट थोड़ा कि मुझे नहीं करना चाहिए था. पर ठीक है, आई यूज्ड टू. जो भी आधा किलो था अभिषेक, आई होप यू स्टिल रिमेम्बर आधा किलो एंड फॉरगेट हर मिस्टेक. ओके, टाई ब्रेकर क्वेश्चन गाइस. ओके, देखो अब ये क्योंकि ये टाई ब्रेकर क्वेश्चन है तो आप दोनों को मौका दिया जाएगा. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछूंगी मैं और तुम लोग के पास सिर्फ 10 सेकेंड का आंसर होगा.
देने के लिए ठीक. दोनों अपना अपना कोई भी एक फोन रख लो अपने पास जिसमें तुम आंसर. दीदी अपने फोन पे लिख रही, मैं इसमें लिख रही हूँ. कमान कमान, छोटी बहन होने का कुछ तो फायदा. ठीक है, सवाल बहुत ही आसान है. आप दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड होंगे. ठीक, कमान. और आप दोनों को अपना अपना आंसर लिखना है. ठीक है, जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी ना, तुम्हारा कौन सा चीज है, तुम्हारा कौन सा चीज है, एंड फिर हम पूछेंगे कि तुम्हें क्या लगता है उसने क्या लिखा होगा. ओके, क्वेश्चन. व्हाट सॉन्ग और मूवी सीन मेक्स यू क्राई विदाउट फेल? ऐसा कौन सा गाना या किसी भी मूवी का एक ऐसा कोई सीन जो तुम जब भी देखो या सुनो तो पक्का रोना आ ही जाता है, ऐसा कुछ. मुझे मेरा लिखना है ना? हाँ, तुम्हें अपना लिखना है. और तुम्हें अपना लिखना है. होता है, होता है. ठीक है, मैं चलो लिख दिया. हाँ. चलो एक एक करके पूछते हैं, तुमसे ही पहले पूछते उसने क्या लिखा होगा. मेरा कौन सा है, मतलब वो विवाह मूवी का. मेरी सीन विवाह मूवी, विवाह सीन है. कौन सा वाला, मतलब जब वो जल रही. हाँ, विवाह का या तो जलने वाला. उसने बोला था वो धड़कन पीछे. नहीं, मैं बता रही हूँ, दो है, या तो विवाह का वो जलने वाला सीन, या फिर वो धड़कन में जो बच्चे को पहन के आता है. उसको रोने लगती है धड़कन. अक्षय कुमार नहीं, वो सुनील शेट्टी. मेरे माँ का ऐसा वाला चप्पल दिखाते हैं फटा हुआ. मतलब ये दो मूवी हम इतनी बार देखे. वीर जारा का दो पल रुका यार. ये तो मेरे को मूवी भी याद दिखा दो भाई. हाँ, इसका है कि वीर सारा का जो सॉन्ग है दीदी दो पल सुनाई दी, दो लाइन बहुत अच्छा. हाँ, हाँ. दीदी बहुत अच्छा नहीं यार, हमारी दीदी हाँ, बहुत अच्छा गाती है. आई मीन इसकी दीदी बहुत अच्छा गाती है. गाओ. सुना सुना. मेरे से भी 7 साल 7 दिन बड़ी है. दो पल रुका यादों का कारवां और फिर चल दिए कहां. वेरी गुड ट्राई. अब अनमोल सुनाएंगी आपको. क्या अनमोल, क्या आंसर लिखा अपना आंसर. अनमोल ने वो गाना लिखा है उसका, मारी छोरियां छोरों से कम है के भीगे नैना जैसा आंसर. मैं बता सकती हूँ कि आंसर गलत है. क्यों? क्योंकि मैंने सुन लिया था कि उसने लिखा कि उसे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है. हाँ तो पर उसका जो गाना है वो यही है, वो खुद ही भूल गई है. बीगे नैना मुझे रुला देता है, बात सही है. दिखा पर मैंने कियारा आडवाणी दिखा. मुझे कियारा आडवाणी जब भी मूवी किसी भी मूवी में रोती है तो मुझे रोना आ जाता है. शेरशाह लिख रही थी, शाह लिख लिया तो मैंने. दोनों को ही नहीं मिलेगा इसमें पॉइंट. टाई ब्रेकर पर मेरा फिर भी सही. नहीं कैसी देती थी आडवाणी की जितनी भी मूवी है ना, अभी रिसेंटली में भी जब भी वो रोती ना, अभी वो वाली थी ना झुकझुक दियो में भी, मतलब वो इतनी फनी मूवी थी. तुम कितना भी बोल लो सास है तो तुम्हें पॉइंट नहीं दे. रिलेशनशिप विथ मनी, तुम दोनों के लिए पैसे की क्या अहमियत है? सिर्फ वन वर्ड आंसर. ठीक है, अपना आप अपना लिखे, आप अपना लिखे. टेन सेकेंड्स हो चुके हैं दीदी. देखो मेरी 10 सेकेंड्स की बात है. तो क्या दीदी के लिए पैसों की क्या है? हाँ, बहुत मिनिमल. मतलब कैसे, एक शब्द में समझाओ. जरूरत, पैसे नेसेसिटी.
नेसेसिटी इज अ वर्ड. मैंने पहले सर्वाइवल लिखा था, मैंने लिखा हाथ का मैन. वन वर्ड मैन यार. देखो ये तो जिंदगी में कभी मैं गेस नहीं कर पाती, कोई चांस ही नहीं. चलो आप इन्हें तो जीरो ही मिलेगा. आप बताइए अपना. ये बताए ना पहले हमारा गेस्ट. आप बताइए इसके लिए कि इसके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स है तो ज्यादा मनी. हाँ मोर मनी. मोर मनी इम्पोर्टेंट. मनी इज इम्पोर्टेंट. मनी इज इम्पोर्टेंट. सो वी वॉन्ट. ठीक है वैसे मैं वर्ड ढूंढ रही थी पर चलो ठीक है. मोर मनी दोनों का ही सही हो गया. हो गया ठीक. तुम्हारा तो नहीं हुआ सही. हाँ वो हारी ना. वो तो वैसे भी हाँ. एक बहन वो जीत गई. आपको कितना अफसोस हुआ वो जीत गई. पता ही नहीं. बहुत अफसोस. देखो देखो क्या है, रिश्तों में जीत हार नहीं होती. रिश्तों में हार जाना चाहिए जीत के. क्यों चलो बच्ची. हमने ये गेम खेल लिया है. गेम में बहुत मजा आई है. हाथ का मैन दीदी के लिए पैसा ये आज पता चल गया है और बहुत सारी. पर ये गेम बड़ा मजेदार है. आप लोग भी खेल के देखना. कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको लगे अरे तुमको पता है ऐसा. मुझे तो कई जगह ऐसे लगा. शुरुआत में मुझे लग रहा था कि कुछ भी नहीं गेस कर पाऊंगी पर काफी अच्छा गया, मजा आई. तो हमारा क्या हमारा रेट दो ना हमारी कंपैटिबिलिटी को दीदी. आई रेट योर रिलेशनशिप 100/100 क्योंकि कई क्वेश्चंस मैंने मतलब इंटेंशनली टफ पूछे थे बट उन्होंने अच्छे आंसर दिए हैं और हमें बहुत ही प्रशंसा हो रही है. और सर्वोत्तम विद्रोही ये है. इट्स नॉट प्रशंसा, इट्स प्रशंसा. वही वही ठीक है. हाँ तो हमने अपना गेम फिनिश किया है और बहुत मजा आई है. और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं इसी बात पे और मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर. बाय गाइस. से बाय टू द चैनल. बाय बाय दीदी. ए दीदी 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 बाय.